बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन है वो आपने अपने ओ लेवल्स में भी देखी हुई है और आप जो है वो अपने ए लेवल्स में भी दोबारा इसको देखने वाली है। बेटा, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, नाइलम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। उसमें आपने क्या किया था? एच ओ, डी डबल बॉन्ड हो, ये डी डबल बॉन्ड हो, ओ एच, एच एन, एच एन एच, ठीक है, ये किया था आपने। ये बॉक्सेस बनाए थे और आपने उस वक्त ये कहा था कि बॉक्सेस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन द केस ऑफ नाइलॉन, टेरिलीन एंड प्रोटीन के अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो और आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए थे अपने ओ लेवल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम देखेंगे, जो अब हमने ए टू में आपके इसको हम इन डब्बों को खोलेंगे और अब देखेंगे कि इनके अंदर क्या था, ठीक है। सो अब आपने इन डब्बों को खोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे आने से पहले हम कहते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर लिखने आप ये बातें आप समझाने वाले, तो इसमें कोई बात नहीं है, लिखने आप समझ आपको आ जाए लिखने। ठीक हो गया। दो टाइप की पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। Thank you.